इस घास को निकालने के लिए पहले आप इस तरह से पानी को पूरा टॉप में भर दीजिए, अच्छा से भर दीजिए ताकि मिट्टी पूरी तरह से गीला हो जाए। पूरे पौधे में अच्छा से पानी भर दीजिए, टॉप भर के पानी डाल दीजिए। देखिए कितना सारा झाड़ी गमले से निकल के रख दिया है बाहर, अलग अलग पॉट से, पूरे पॉट से मैं निकल के साफ कर दिया गमले को अच्छा से। हेलो फ्रेंड्स, अगला वीडियो में मैं आपको दिखाए थे मेरा गमले का हालत कैसा हो गया है। आज आपको उसका मतलब नेक्स्ट वीडियो दिखा रहे हैं जो मैं साफ करके रख दिया है गमले को अच्छा से। जितना पौधा है पूरे पौधे में पूरा झाड़ी भरा था, देख सकते हैं पूरा गमले का सामने सामने मैं रख दिया हूँ ताकि आपको दिखा सकते हैं कितना झाड़ी उसमें भर गया था। अब मैं पूरे पौधे को मैं फर्टिलाइज़र दूंगी। अब फर्टिलाइज़र देने के लिए मेरे को गमले को गुड़ाई करना नहीं पड़ेगा, ताकि मैं तो जो घास को उखा रहे थे एकदम गमले जड़ के सहित, उसमें गमले का मिट्टी हल्का हो गया है। अब मैं पौधे को ए वाला फर्टिलाइज़र दूंगी ताकि पौधे को अच्छा न्यूट्रिशन मिले। करीब एक ढक्कन इसमें 10 लीटर पानी में डालना पड़ेगा। पानी में डालने के बाद देखिए कैसा कलर हो गया सीवीड फर्टिलाइज़र। अब मैं इसको मैं हर पौधे में एक एक मोगर डालते जाएंगे। इसके साथ मैं और एक चीज़ मिलाएंगे जो फंगीसाइड पाउडर है। तो पौधे में अगर कुछ फंगस इतना दिन से हुआ होगा तो जड़ मजबूत हो जाएगा। हर गमले में मैं एक एक मगर अच्छा से मिट्टी को पूरा गीला हो जाएगा, इसे इतना ही देंगे पूरा भर भर के। गर्मी के टाइम मिट्टी अच्छे से सूख जाता है, इसलिए अच्छा से पानी डालना ज़रूरी है। अब तो मैं सारे गमले में फर्टिलाइज़र डाल दिया है, देखिए शाम भी होने लग गया है। मेरा वीडियो आपका अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, आगे और देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मेरा वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।